मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, केसी सिन्हा में एक्सरसाइज 17 का अलेवन तक मैंने क्वेश्चन बता दिया हूँ, बचा कौन कौन है 12, 13, 14 और 15। मैं बारी बारी से एक बाय वन बाय वन क्वेश्चन करके देखता हूँ, ठीक है ना। आप लोग भी देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन में क्या साइन एक्स। क्या करना है हमको, क्या करना है इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्या करना है जी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन किसका निकालना है, ई के पावर एक्स साइन एक्स कॉट एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का। अब क्या कर दिए, आई इक्वल टू ई टू, ये क्या है सबका है, सब ने डिवाइड है, e टू दी पावर x साइन x अपॉन साइन x डी एक्स प्लस क्या cot x अपॉन साइन x डी एक्स प्लस क्या x साइन x अपॉन साइन x डी एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल हो गया, क्या बचा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब क्या कॉट एक्स, कॉट एक्स और वन अपॉन साइन एक्स, वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है जी, वन अपॉन साइन एक्स क्या कॉसेक एक्स डी एक्स, साइन एक्स कैंसल, क्या आ गया एक्स डी एक्स। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x और cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cosec x और x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये क्या हो गया जी, आंसर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, sec 11 प्लस 12 x sec 11 प्लस 12 एक्स इंटू 10 11 प्लस 12 एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या हो गया, हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी नो दैट sec एक्स इंटू 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस c। sec x इंटू 10x है तो क्या हो जाएगा sec x प्लस c, तो x क्या है यहाँ पे 11 प्लस 12x प्लस c, x का कोफिशियंट क्या है 12। डिफ्रेंसिएशन में x का कोफिशियंट किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में, तो इंटीग्रेशन में x का कोफिशियंट क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 12 प्लस सी। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना बुआ। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या जानते हैं, पहला काम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा 1 और 2 sin x into cos x कितना होता है sin 2x dx। अब क्या कर सकते हैं 1 into dx
प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। वन डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टू एक्स, माइनस कॉस टू एक्स बाय टू प्लस सी, क्या आ गया एक्स माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू प्लस। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एक स्क्वायर एक्स, इफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एक स्क्वायर एक्स है, तो डी वाई बाय क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू क्या कॉस एक्स प्लस एक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा डी वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा वाई, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। अब क्या दिया हुआ है एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो, तो वाई दैट मीन्स जीरो साइन जीरो प्लस टेन जीरो प्लस सी, जीरो साइन जीरो जीरो होता है, टेन जीरो जीरो प्लस सी, तो सी बराबर क्या आ गया जीरो, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर आ गया, क्या आ गया जी आंसर आ गया। ठीक है, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, अभी तक मैं जो भी इंटीग्रेशन पढ़ाया था इससे पहले सब कैसा पढ़ाया था, तो फार्मूला से रिलेटेड था, पुटिंग द फार्मूला एंड गेटिंग द रिजल्ट। अभी क्या है, यहाँ से अब क्या है इंटीग्रेशन का टाइप्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। लेकिन किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जिस माध्यम से हो आप उस माध्यम से हमको कम्युनिकेट करके आप पूछ सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में भी जाके कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे बहुत टाइप्स के होते हैं लेकिन जनरली हम लोग तीन टाइप में ही सारे क्वेश्चन पकड़ लेंगे। क्या क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दूसरा क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा क्या है बाय पार्ट्स, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत सारे होते हैं, एगो पहला मेथड ये भी लिख सकते थे, क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड कनेक्टेड विद बेसिक फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, और रेशनल फंक्शन इरेशनल फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसी तीनों में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड,
ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट एन इंटीग्रेशन, एन इंटीग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स या एफ ऑफ एक्स इंटू रूट जी एक्स डी एक्स या आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स या एफ ऑफ एक्स अपॉन रूट जी एक्स डी एक्स। इसी चार टाइप का क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में। पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करते कैसे करते हैं, तो लेट f ऑफ x इक्वल टू a g ऑफ x प्लस b, ठीक है। अब क्या कंपेयरिंग द बोथ साइड्स we find the value of a and b, then integrate। दैट मीन्स क्या बात निकल के सामने आया, इस फॉर्म में लिखा रहेगा कोई भी इंटीग्रेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, यहां से a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। मैं बात क्या बोल रहा हूँ, बाई डी पे क्वेश्चन रहा ऐसा एक्स रूट अंडर एक्स प्लस टू डी एक्स, क्या रहा क्वेश्चन कैसा रहा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू डी एक्स, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एफ एक्स कितना है एक्स, और रूट में एक्स प्लस टू है वो किसका वैल्यू है, जी एक्स का वैल्यू है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स एक्स इंटू ए इंटू ए एक्स प्लस टू प्लस बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी, ए इंटू एक्स ए एक्स प्लस टू इंटू ए टू ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द बोथ साइड, कंपेयरिंग द बोथ साइड्स। तो कंपेयरिंग कैसे करेंगे, एक्स वाले को एक्स के साथ और कंस्टेंट टर्म को कंस्टेंट के साथ। अब देखो एक्स क्या है, इधर एक्स है और इधर एक्स के साथ क्या है, ए एक्स। तो एक्स इक्वल टू ए एक्स, तो एक्स एक्स कैंसल, ए बराबर कितना आ गया, वन। अब क्या है, 2a प्लस बी। अब इधर क्या है, कंस्टेंट टर्म कुछ है नहीं है, केवल x है, तो कंस्टेंट टर्म क्या हो गया, जीरो। अब a का वैल्यू कितना आ गया है, वन। तो 2 इंटू वन प्लस बी बराबर कितना, जीरो। तो b बराबर कितना आ गया, माइनस टू, ठीक है। अब क्या लिख देना है इंटीग्रेशन में, अब देखो वो x, x को क्या लिखे है, इस एक्स का वैल्यू हम क्या लिखे हैं, ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू में क्या,
रूट अंडर एक्स प्लस टू डी एक्स, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है वन, एक्स प्लस टू, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है माइनस टू, रूट अंडर एक्स प्लस टू डी एक्स। अब क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटू रूट अंडर एक्स प्लस टू माइनस टू रूट अंडर एक्स प्लस टू होल का क्या डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं इसको, एक्स प्लस टू रूट अंडर एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस टू बाहर कर दिए क्या आ गया रूट अंडर एक्स प्लस टू डी एक्स, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू के पावर वन बाई टू, यदि बेस सेम है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर क्या होता है जुड़ता है, तो एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा थ्री बाई टू डी एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू पावर क्या है वन बाई टू डी एक्स। ठीक है, क्या आ गया एक्स प्लस टू पावर थ्री बाय टू प्लस वन अपॉन क्या थ्री बाय टू प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस टू पावर थ्री बाय टू वन बाय टू प्लस वन अपॉन वन बाय टू प्लस वन प्लस सी आई इक्वल टू एक्स प्लस टू पावर फाइव बाई टू सॉरी अपॉन फाइव बाई टू माइनस टू एक्स प्लस टू थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी, ये क्या हो जाएगा टू बाय फाइव एक्स प्लस टू फाइव बाई टू, टू टू जा फोर, फोर बाई थ्री एक्स प्लस टू थ्री बाई टू प्लस सी। अब क्या कर सकते हैं, चाहेंगे तो यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा आंसर सुंदर दिखाई देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो दो पांच और तीन का एलसीएम कितना हो जाएगा फिफ्टीन, और ऊपर में क्या है चार और दो में हम कॉमन क्या ले सकते हैं दो ले सकते, तो टू अपॉन फिफ्टीन कॉमन ले लिए और एक्स प्लस टू, नहीं तो एक काम देखो इसका क्या है एलसीएम कितना आ जाएगा फिफ्टीन, तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, तो थ्री टू जा सिक्स, एक्स प्लस टू फाइव बाई टू, थ्री फाइव जा फिफ्टीन और फाइव फोर जा ट्वेंटी, एक्स प्लस टू पावर थ्री बाई टू प्लस सी। अब क्या सिक्स और ट्वेंटी में से कॉमन क्या आ जाएगा टू अपॉन फिफ्टीन, फाइव बाई टू और थ्री बाई टू में कॉमन क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू के पावर थ्री बाई टू। अब क्या लिख सकते हैं इसको, यहां कितना बच गया थ्री और फाइव बाई टू में से थ्री बाई टू बाहर ले लिए, तो फाइव बाई टू में से यदि थ्री बाई टू चला जाएगा तो कितना बचेगा वन, फाइव माइनस थ्री बाई टू बराबर क्या टू बाई टू कितना हो गया वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस टू पावर वन माइनस दो बाहर कर दिए तो क्या बच गया है यहाँ पे दस प्लस सी, दैट मीन्स टू अपॉन फिफ्टीन एक्स प्लस टू थ्री बाई टू थ्री एक्स प्लस सिक्स माइनस टेन प्लस सी। अब क्या टू अपॉन फिफ्टीन एक्स प्लस टू के पावर थ्री बाई टू थ्री एक्स और सिक्स माइनस फोर, सिक्स माइनस टेन कितना हो जाएगा माइनस फोर प्लस सी, ये क्या हो गया हम लोगों का
आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछना जरूर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे। एक्सरसाइज 17, एक्सरसाइज 17 कौन सा बुक है, तो डॉक्टर केसी सिन्हा का कौन सा बुक, तो टेस्ट बुक ऑफ वन वेरिएबल कैलकुलस का बुक है जिसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज 17। अब इसमें क्या है, एक से लेके चार तक क्या है, क्वेश्चन सेम है, कौन सा एक्सरसाइज में, 17 एक्सरसाइज में। और इसमें क्या है, तीन टाइप का क्वेश्चन होगा, एगो रेशनलाइज वाला होगा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो कंसेप्ट पढ़ाए है उस पर होगा, तीसरा क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक और फंक्शन से रिगार्डिंग होगा। तो पहला रेशनलाइज वाला एक से लेके चार तक कैसा क्वेश्चन है हम लोगों का, रेशनलाइज है। पहला क्वेश्चन क्या है, I=dx/√(x + a − √x). ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन है। अब क्या हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी साइन है, दोनों रूट के बीच में जो भी साइन है उसके कंजुगेट के साइन से हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। यदि यहां माइनस है तो प्लस से करेंगे, ये बाइट में प्लस रहता तो माइनस से रेशनलाइज करते। तो dx/√(x + a − √x) × √(x + a + √x) × √(x + a + √x। अब क्या हो गया, √(x + a + √x) dx / a − b + a + b क्या हो जाएगा, a² - b² तो √(x + a² - √x² अब क्या हो जाएगा, √(x + a + √x) / a² दैट मीन्स x + a − x dx। x कैंसल, 1y a क्या हो गया, कंस्टेंट टर्म है, इसको क्या कर दिए, बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, + √(x) dx। अब क्या, 1 / a (x + a) · 1 / 2 dx + 1 / a (x·√x) को क्या लिख सकते हैं, 1/2 dx। तो 1 / a (x + a) · x·n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x·n + 1 / n + 1। 1/2 + 1 / 1 / 2 + 1 / a (x·√(1) · 1/2 + 1 / 1 + c). x·n का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने पुट किया हूं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 / a
एक्स प्लस ए पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन बाई ए एक्स टू डी पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस ए, ये कितना हो जाएगा टू अपॉन थ्री ए एक्स प्लस ए थ्री बाई टू प्लस टू बाई थ्री ए एक्स टू डी पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया, क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या है एक से लेके चार तक क्वेश्चन सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बीच में दो गो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, दूसरा और तीसरा। मैं किस क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, चौथा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्या है, I इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट अंडर वन माइनस टू एक्स प्लस रूट अंडर थ्री माइनस टू एक्स है। क्या करना है हमको, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मैं क्या बोला हूं, यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। भाई कैसे रेशनलाइज करते हैं, तो जो दोनों रूट के बीच में जो साइन दिया हुआ है, यहां प्लस है तो कंजुगेट के साइन, कंजुगेट बोले तो माइनस साइन। दैट मीन्स आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस टू एक्स प्लस आई, तो क्या साइन से करेंगे मल्टीप्लाई, तो रेशनलाइज माइनस से, तो थ्री माइनस टू एक्स प्लस आई, तो यहां क्या माइनस से ना। अब क्या आ जाएगा वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स डी एक्स। अब क्या आ गया इंटीग्रेशन, रूट अंडर वन माइनस टू एक्स थ्री माइनस टू एक्स डी एक्स अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी, वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स। अब क्या हो जाएगा वन माइनस टू एक्स, वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स डी एक्स अपॉन क्या वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स। दिस और दिस क्या हो जाएगा कैंसल, क्या आ गया माइनस वन अपॉन टू, वन माइनस थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट अंडर वन माइनस टू एक्स माइनस रूट थ्री माइनस टू एक्स डी एक्स। माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू वन माइनस टू एक्स वन बाई टू डी एक्स। माइनस 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 वन बाई टू और माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बाई टू थ्री माइनस टू एक्स पावर वन बाई टू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू, वन माइनस टू एक्स वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू प्लस वन, एक्स का कोफिशियंट कितना है माइनस टू। डिफ्रेंसिएशन में एक्स का कोफिशियंट किस में आता था, मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन में एक्स का कोफिशियंट क्या है माइनस टू है, तो क्या आ जाएगा डिवाइड में प्लस वन बाई टू थ्री माइनस
2x 1 बाय 2 प्लस 1 1 बाय 2 प्लस 1 x का कोफिशिएंट कितना माइनस 2 प्लस माइनस 1 बाय 2 1 माइनस 2x 3 बाय 2 माइनस 2 इंटू 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 3 माइनस 2x 3 बाय 2 माइनस 2 इंटू कितना 3 बाय 2 प्लस 2 2 कैंसल माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बाय 6 2 3 जा 6 1 माइनस 2x 3 बाय 2 प्लस माइनस ये 2 और ये 2 कैंसल प्लस माइनस माइनस 1 बाय 6 3 माइनस 2x 3 बाय 2 प्लस ये क्या हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा घर पे चार तक बना लीजिएगा और पिछले एक्सरसाइज का बनाइएगा ठीक है ना। फिर आगे हम कल पढ़ाएंगे 6 नंबर से मेन विशुद्ध ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम लोगों का चालू हो जाएगा ठीक है। जय हिंद जय भारत।